केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली नगर निगम के एकीकरण पर मोहर लगा दी है। अब फिर केंद्र सरकार दिल्ली की केजरीवाल सरकार को झटका दे सकती है। माना जा रहा है कि दिल्ली एमसीडी के बजट का फंड केंद्र सरकार के पास रहेगा। नमस्कार, डीबी न्यूज देख रहे हैं आप। बात करेंगे कुछ खास खबरों की और साथ ही दिल्ली में एमसीडी चुनाव को लेकर भी चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबरों की। बढ़ती महंगाई को लेकर सरकार के खिलाफ विपक्ष हमलावर हो गया है। बुधवार को समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने भी महंगाई और तेल की कीमतों को लेकर सरकार को घेरा। अखिलेश ने कहा कि महंगाई लगातार बढ़ती जा रही है और सरकार कहती है कि पेट्रोल डीजल पर उसका नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से पेट्रोल डीजल लगातार महंगा हो रहा है। उन्होंने कहा कि बड़े उद्योगपतियों और कारोबारियों को लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ये फैसला ले रही है। और क्या कुछ कहा इस दौरान, आइए सुनते हैं। अमर लोहिया जी की प्रतिमा लगी है। 23 मार्च को समाजवादी लोग यहाँ इकट्ठे होते हैं, उन्हें याद करते हैं। जो सिद्धांत, जो रास्ता डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने दिखाया, उसी रास्ते पे लगातार समाजवादी पार्टी चल रही है। इधर गैर बराबरी को लेकर के और बड़ी संख्या में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, वंचित हैं, आज़ादी के बाद जिन्हें मुख्य धारा से नहीं जोड़ पाए, उन लोगों की लड़ाई आज भी लड़नी है और उन्हें सम्मान मिले, उनको सम्मान के साथ उन्हें भी स्थान मिले। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जो गैर बराबरी की लड़ाई लड़ी, चाहे वह आर्थिक रूप से भी गैर बराबरी बढ़ी है, सामाजिक असमानता भी बढ़ी है, और आज के दिन हम सभी समाजवादी इस बात का संकल्प लेते हैं कि आने वाले समय में डॉक्टर राम मनोहर लोहिया का रास्ता दिखाए हुए पे चलने का काम करेंगे। जो महंगाई का सवाल है, लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है और सरकार इस बात को कहती है कि पेट्रोल डीजल पे उसका नियंत्रण नहीं है, लेकिन सरकार की गलत नीतियों की वजह से डीजल पेट्रोल लगातार महंगा हो रहा है। और अगर आप आकलन करेंगे डीजल पेट्रोल की जो कंपनियां हैं, आखिरकार वो मुनाफा क्यों कमा रही हैं, और इतने बड़े पैमाने पे जो मुनाफा कमाया जा रहा, आखिरकार ये मुनाफा जा कहाँ रहा है? अगर ये मुनाफा गरीबों के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छी बात है, किसानों की खुशहाली के लिए इस्तेमाल हो रहा है तो अच्छी बात है, लेकिन लगता ये है कि जो डीजल पेट्रोल और गैस की कीमत बढ़ने से जो मुनाफा हो रहा है, वो बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े बड़े कारोबारी, उनको लाभ पहुंचाने के लिए सरकार ये फैसला ले रही है। और ये पहले से पता था, जनता के बीच में ये बात रखी थी कि जैसे ही चुनाव ख़त्म होगा ये सरकार महंगाई बढ़ाएगी और महंगाई लगातार इस सरकार में बढ़ेगी। समाजवादी पार्टी को जनता ने जो जनादेश दिया है वो संघर्ष का जनादेश दिया है। समाजवादी पार्टी को जनता का संघर्ष का जनादेश मिला है। और जहाँ तक सवाल आयोजन का है, खुशी ज़रूरी है, खुशी मनाएं भी, लेकिन ये कंटिन्यूटी की सरकार है, ये सरकार लगातार चल रही है। और जो सरकार 5 साल में कोई ऐसा स्थान न बना पाई हो जो उन्हें प्रेरणा दे सके, कम से कम समाजवादियों का काम उन्हें प्रेरणा देगा कि आने वाले समय में ऐसा काम करें। चुनाव परिणाम में देखने को मिला था कि भारतीय जनता पार्टी गुंडागर्दी, भारतीय जनता पार्टी गुंडों का सहारा लेकर के लोकतंत्र को ख़त्म करने में लगी है। और ये पहला उदाहरण नहीं है, याद कीजिए वो लखीमपुर में जिस समय बहनों के साथ जो व्यवहार हुआ था, उनके कपड़े छीन लिए गए थे, उनकी साड़ी खींच ली गई थी, कपड़े फाड़ दिए गए थे। और इसी तरह जो कल हुआ है एटा में, भारतीय जनता पार्टी लोकतंत्र में अपना बहुमत सिद्ध करने के लिए गुंडे ही उतर आई है। और आखिरकार DMSP क्या कर रहे थे, उतनी खड़ी हुई पुलिस क्या कर रही थी, ये पूरी की पूरी सरकार की साजिश थी। DMSP पूरे मिले हुए थे, अगर DMSP नहीं मिले होते तो शायद ये ऐसा नहीं होता। सर, मायावती जी का पूरा वोट पर्सन श्रीन, कल वो ट्वीट करके कह रही है कि सपाही मिली हुई है, नेताजी की भी उदाहरण वो दे रही थी। समाजवादी पार्टी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के सिद्धांत पर आगे बढ़ने जा रही है। जो सिद्धांत उन्होंने दिया, आज भी असमानता बड़े पैमाने पर बढ़ी है, गैर बराबरी बढ़ी है। आर्थिक रूप से देखिए आप, कुछ लोग तो कितने आगे बढ़ते जा रहे हैं,
वहीं आप गरीब को देखो, उसे अनाज पर जीवन यापन करना पड़ रहा है। और यूथ कितना निराश हुआ है, जब तक अर्थव्यवस्था नहीं बदलेगी तब तक यूथ को नौकरी नहीं मिलने वाली। वही यूथ जो पिछले 3 साल 4 साल से इंतज़ार कर रहा था कि उसे नौकरी और रोज़गार मिलेगा। सरकार के सामने चुनौती भी है कि आखिर सरकार इतनी नौकरी रोज़गार कैसे देगी। और मुझे नहीं लगता है ये सरकार यूथ के भविष्य को बेहतर कर पाएगी। आपने करहल का डिसीजन लिया है, समाजवादी पार्टी को संघर्ष का जनादेश मिला है और सदन में रहने का मौका मिला है। सदन से लेकर के सड़क तक समाजवादी पार्टी अपने कार्यक्रमों सिद्धांतों को लेकर के आगे बढ़ेगी। सर आप जिन, आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। दिल्ली नगर निगम चुनाव से पहले केंद्रीय कैबिनेट ने दिल्ली एमसीडीए एकीकरण पर मुहर लगा दी है। दिल्ली एमसीडीए एकीकरण से आम आदमी पार्टी को एक बड़ा झटका लगा है। इसके बाद केंद्र सरकार दिल्ली सरकार को एक और बड़ा झटका देने जा रही है। माना जा रहा है कि दिल्ली एमसीडीए का बजट अब केंद्र सरकार के हाथों में जा सकता है। इससे साफ है कि अगर आप पार्टी दिल्ली एमसीडीए चुनाव में जीत भी हासिल कर ले तो फिर भी केजरीवाल के हाथ में पूरी तरह से नगर निगम नहीं रहेगा। अगर केंद्र सरकार दिल्ली नगर निगम का बजट अपने हाथ में रखती है तो आप सरकार पूरी तरह से नगर निगम पर कब्जा नहीं कर पाएगी, क्योंकि दिल्ली एमसीडी का बजट जब केंद्र के हाथ में होगा तो फिर केंद्र ही कार्यों के लिए फंड देगी ही। दिल्ली के बीजेपी अध्यक्ष आदेश गुप्ता ने दिल्ली सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा था कि नगर निगम को फंड नहीं मिलता था। इसके साथ ही बीजेपी नेता मनोज तिवारी ने दिल्ली एमसीडी एकीकरण पर कहा कि अब जल्द ही दिल्ली नगर निगम के बजट का रास्ता केंद्र सरकार के पास होगा जिसमें विकास होगा। वहीं दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने आज 23 मार्च को कहा कि मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव समय पर करा के और जीत कर दिखाए, हम राजनीति छोड़ देंगे। सब जानते हैं कि दिल्ली में नगर निगम के चुनाव में बीजेपी का सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले राज्य निर्वाचन आयोग पर दबाव डालकर चुनाव टलवा दिया। बदायूं के बाशिंदों के लिए अच्छी खबर है, अब उन्हें ब्लड के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। डॉक्टर मुकेश जौहरी ने जिले में ब्लड बैंक कंपोनेंट सेंटर देकर जिले की आवाम के लिए बड़ा काम किया है। बदायूं में आज शहर स्थित जौहरी नर्सिंग होम में जौहरी नर्सिंग होम ब्लड सेंटर का शुभारंभ किया, जो कि जनपद बदायूं का पहला ब्लड कॉम्पोनेंट सेंटर है, जिसमें संपूर्ण ब्लड व PRBC व प्लाज्मा प्लेटलेट्स मरीजों को उपलब्ध कराए जाएंगे। आपको बता दें कि जनपद की बहुप्रतीक्षित एवं अति आवश्यक निजी ब्लड बैंक की मांग आज पूरी हुई है। तो वहीं अभी तक बदायूं वासी जिला अस्पताल एवं बदायूं मेडिकल कॉलेज में ही ये सुविधा पा रहे थे, पर अब निजी क्षेत्र में भी यहाँ के वासिंदे पहली ब्लड बैंक सेंटर की सुविधा प्राप्त कर सकेंगे। आपको बता दें कि ये ब्लड बैंक सेंटर डॉक्टर मुकेश जौहरी के स्वर्गवासी पुत्र मृणाल जौहरी की याद में खोला गया है, जिसकी आज 22 मार्च को शुरुआत कर दी गई है। तो वहीं जनपद बदायूं में इसी क्रम में सरकारी ब्लड बैंक में ब्लड के कंपोनेंट्स को अलग करने की सुविधा नहीं थी एवं इस वजह से ये बहुत उपयोगी होने जा रही है। जैसे केवल प्लेटलेट्स या केवल पैक्ड सेल्स फैक्टर्स एवं अन्य घटक को लेने अब बदायूं के लोगों को बरेली नहीं जाना पड़ेगा एवं इमरजेंसी में जौहरी नर्सिंग होम ब्लड सेंटर निजी ब्लड बैंक के रूप में बदायूं वासियों को भविष्य में वरदान साबित होगा। इस मौके पर बदायूं जनपद के प्रतिष्ठित गणमान्य द्वारा ब्लड सेंटर का फीता काटकर शुभारंभ किया गया। तो वहीं इस मौके पर वहां मौजूद लोगों ने डॉक्टर मुकेश जौहरी को माला पहनाकर बदायूं की जनता को ये निजी ब्लड बैंक की सौगात देने के लिए अभिवादन किया। साथ ही उनकी पुत्री डॉक्टर मृंदा जौहरी को भी लोगों ने फूल भेंट कर अभिवादन किया। कार्यक्रम का संचालन रविंद्र मोहन सक्सेना द्वारा किया गया। डॉक्टर ए.के. वर्मा समेत लगभग 50 लोगों ने रक्तदान किया। तो वहीं कार्यक्रम में ब्लड बैंक के डायरेक्टर अभिनव सिंह ने सभी आगंतुकों का स्वागत किया और इस मौके पर डॉक्टर अक्षत आशीष ज्योति मेहंदीरता धीरज सक्सेना ओमकार सिंह यादव दीप माला गोयल जे.के. सक्सेना महेश सक्सेना डॉक्टर रविंद्र सिंह लवी वर्मा आदि मौजूद रहे। ये ब्लड बैंक यूनिट है जिसमें कंपोनेंट्स हम सप्लाई करेंगे, जिसमें कि हम प्लेटलेट प्लाज्मा और PRBC और लिक्विड PRBC को हम देंगे। किस किस तरीके की मतलब यहाँ पर सुविधाएं लोगों को मिलेंगी, क्योंकि इससे पहले तो यहाँ ब्लड बैंक की सुविधा जिला अस्पताल और मेडिकल अलावा। देखिए जिला अस्पताल और मेडिकल कॉलेज जो है होल ब्लड सप्लाई करता था, जबकि डेंगू के सीजन में प्लेटलेट की बहुत बड़ी ज़रूरत यहाँ पर रहती है। एक्सीडेंटल केस में प्लाज्मा की जरूरत पड़ती है, तो हम प्लाज्मा और प्लेटलेट और पेक्सल तीनों चीज़ों की सप्लाई देंगे यहाँ से।
आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने बुधवार को वादे के मुताबिक एंटी करप्शन हेल्पलाइन नंबर जारी किया है। इस नंबर पर लोग व्हाट्सएप करके भ्रष्टाचार की शिकायत कर सकेंगे। पंजाब के मुख्यमंत्री की ओर से जारी मोबाइल नंबर चलिए आपको बताते हैं 9501200200 है। हुसैनीवाला फिरोजपुर में शहीद भगत सिंह को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए भगवंत मान ने कहा कि आज शहीदी दिवस है और सभी को श्रद्धांजलि दी जा रही है। मान ने कहा कि आज हम एक एंटी करप्शन नंबर जारी करने जा रहे हैं 9501200200, ये हमारा नंबर है। अगर आपको कोई रिश्वत मांगने के लिए कहता है आप मना मत कीजिएगा, आप रिकॉर्ड करके इस नंबर पर साझा कर देंगे और जानकारी हम तक पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि मुझे इसके लिए पंजाब के लोगों के समर्थन की ज़रूरत है। बता दें कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 17 मार्च को ऐलान किया था कि उनकी सरकार 23 मार्च को राज्य की भ्रष्टाचार रोधी हेल्पलाइन जारी करेगी ताकि लोग भ्रष्ट अधिकारियों को बेनकाब कर सकें। मुख्यमंत्री ने जोर देते हुए कहा कि वह राज्य में भ्रष्टाचार मुक्त सरकार सुनिश्चित करेंगे। दिल्ली के मुख्यमंत्री एवं आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने मान की घोषणा का स्वागत किया था। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी में भ्रष्टाचार का सफाया कर दिया और अब मान तथा उनके मंत्री पंजाब में एक ईमानदार सरकार चलाएंगे। आइए खबरों में एक बार फिर रुक कर लेते हैं दिल्ली की ओर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी को चुनौती दी है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि मैं बीजेपी को चुनौती देता हूं कि हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव समय पर करा के और जीत कर दिखाए, हम राजनीति छोड़ देंगे। मीडिया से बात करते हुए केजरीवाल ने कहा कि अगर देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनता की आवाज क्या बचेगी। भाजपा कहती है कि हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए। और क्या कुछ कहा इस दौरान केजरीवाल ने, आइए आपको सुनाते हैं। दिवस है जी, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जी तीनों को आज ही के दिन फांसी पे लटकाया गया था। उन लोगों ने देश को आजाद कराने के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी, सुप्रीम सैक्रिफाइस दिया उन्होंने देश को आजाद कराने के लिए। देश आजाद हुआ, एक संविधान बना, संविधान में जनता को सारी ताकत दी गई कि जनता अपनी सरकारें चुनेंगी और वो सरकारें जनता के सपनों को पूरा करेंगी। अभी पिछले कुछ दिनों से जो देखने को मिल रहा है वो एक तरह से शहीदों के बलिदान का अपमान है कि केंद्र की भारतीय जनता पार्टी सरकार दिल्ली में नगर निगम के जो चुनाव होने थे उसमें सब लोग जानते हैं कि इस बार उनका भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सफाया होने वाला था। अपनी हार से बचने के लिए उन लोगों ने पहले तो स्टेट इलेक्शन कमीशन पे दबाव डाल के चुनाव को टलवा दिया और अब एक अमेंडमेंट ला रहे हैं जिसके जरिए वो चुनाव को कई महीनों के लिए टालने जा रहे हैं। ये बेहद दुखदाई है। अगर इस देश के अंदर चुनाव ही टल गए तो फिर जनतंत्र क्या बचेगा, फिर जनता की आवाज क्या बचेगी। फिर तो सबसे ज्यादा दुख आज के दिन भगत सिंह की आत्मा को होगा जिन्होंने अपनी फांसी पे चढ़ के उन्होंने इस देश को आजाद कराया था। इस दिन के लिए थोड़ी कराया था कि एक सरकार आएगी और चुनाव ही खत्म कर देगी इस देश के अंदर से। जनता को बेसिक अधिकार है चुनने का, अपनी सरकारों को चुनने का। तो मेरा केंद्र सरकार से ये अपील है, हार जीत तो लगी रहती है, आप आज जीत रहे हो इस राज्य में, आप जीतते हो उस राज्य में, दूसरे जीतते हैं, इधर कोई जीतता है उधर कोई जीतता है, हार जीत लगी रहती है। एक छोटे से एमसीडी के चुनाव में अपनी हार से बचने के लिए इस देश के साथ खिलवाड़ मत करिए। इस देश के जो शहीद हुए उनकी शहादत के साथ खिलवाड़ मत करिए, देश के संविधान के साथ खिलवाड़ मत करिए। आज कह रहे हैं कि हम तीनों नगर निगम एक करने जा रहे हैं इसलिए हम चुनावों को टाल रहे हैं। क्या इस बेसिस पे चुनाव टाले जा सकते हैं? कल को गुजरात का चुनाव होगा, एक चिट्ठी लिख देंगे सेंट्रल इंफॉर्मेशन इलेक्शन कमीशन को कि भाई हम गुजरात को और महाराष्ट्र को एक करने जा रहे हैं इसलिए गुजरात के चुनाव मत कराओ। अगली बार लोकसभा का चुनाव होगा,
लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हार रही होगी तो एक चिट्ठी लिख देगी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन को कि हम तो पार्लियामेंट्री सिस्टम खत्म करके प्रेसिडेंशियल सिस्टम लाने जा रहे हैं, इसलिए चुनाव मत कराओ। क्या चुनाव टाले जा सकते हैं? तो अपनी हार के डर से जो ये लोग चुनाव टाल रहे हैं, ये सीधे सीधे इस देश के साथ खिलवाड़ है। मेरी प्रधानमंत्री जी से हाथ जोड़ के अपील है, कल बीजेपी रहेगी नहीं रहेगी, आम आदमी पार्टी रहेगी नहीं रहेंगे, मोदी जी रहेंगे नहीं रहेंगे, केजरीवाल रहेगा नहीं रहेगा, ये जरूरी नहीं है। देश बचना चाहिए, देश के साथ खिलवाड़ मत करो। एक छोटे से चुनाव को जीतने के लिए आप इस देश की व्यवस्था के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, देश के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, ये क्या है? ये बिल्कुल मंजूर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी कहती है हम दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हैं। अरे सबसे बड़ी पार्टी और दिल्ली की एक छोटी सी पार्टी से घबरा गए तुम? दिल्ली के एक छोटे से चुनाव से घबरा गए तुम? क्या हिम्मत है यार तुम्हारे अंदर? लानत है तुम्हारे ऊपर। मैं चैलेंज करता हूं बीजेपी को, हिम्मत है तो एमसीडी के चुनाव टाइम पे करा के दिखाओ और जीत के दिखा दो, हम राजनीति छोड़ देंगे। हैदराबाद के भोईगुड़ा आड़ी में कबाड़ के गोदाम में भीषण आग लगने से बड़ा हादसा हो गया। इस आग में करीब 12 लोगों के फंसे होने की आशंका है, जबकि अब तक 11 लोगों के शव बरामद हो चुके हैं। मिली जानकारी के अनुसार घटना के समय ये लोग गोदाम के अंदर ही सो रहे थे। भीषण आग के कारण एक दीवार गिर गई जिससे वह वहां फंस गए और बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। फिलहाल एक व्यक्ति को बचा लिया गया है, उन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं मौके पर दमकल की करीब 8 गाड़ियां आग बुझाने पहुंची है। दमकल विभाग के अधिकारी के मुताबिक अब तक 11 शव बरामद किए जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि आग इतनी भयंकर लगी थी कि इस पर पूरी तरह काबू पाने में समय लग गया, हालांकि आग को बुझा दिया गया है। बताया जा रहा है कि कबाड़ के गोदाम में काम करने वाले सभी मजदूर बिहार के रहने वाले थे। फायर विभाग के अधिकारी पापिया ने बताया कि गोदाम में स्क्रैप के साथ केबल्स भी थे जिसकी वजह से आग तेजी से फैली। वे सभी शायद उस स्क्रैप के ऊपर सोए हुए थे, अचानक आग लगने से ही शायद बाहर नहीं निकल पाए, वे सभी अंदर की तरफ चले गए थे। सभी बचने के लिए शायद एक के ऊपर एक चढ़ने की कोशिश कर रहे थे। सभी 11 बुरी तरह से जले हुए शव एक साथ मिले हैं। बहुत ही दुग्ध और दिलदिला देने वाला ये दृश्य था। सभी बुरी तरह जले हुए 11 शवों को बाहर निकाला गया। हमें पता नहीं था कि वे अंदर फंसे हुए थे। इस गोदाम के कोई बताने वाले नहीं थे कि अंदर लोग फंसे हुए हैं। पूरा आग और धुआं फैला हुआ था। पूरी आग बुझाने में करीब 3 घंटे लगे, उसके बाद अंदर घुस पाए। बताया जा रहा है कि एक व्यक्ति खिड़की से कूदकर बाहर निकल पाया जो हल्का घायल हुआ है। पूरा 11 शव निकाल लिए गए हैं जिसमें वॉचमैन का शव है कि नहीं ये देखना है। इस बीच तेलंगाना के सीएम केसी राव ने सिकंदराबाद के भोईगुड़ा टिम्बर डिपो में लगी आग में बिहार के श्रमिकों की मौत पर शोक व्यक्त करते हुए उनके परिजनों को 5-5 लाख रुपए की अनुग्रह राशि देने की घोषणा की है और मुख्य सचिव को घटना में मारे गए श्रमिकों के शवों को वापस लाने की व्यवस्था करने का निर्देश दिया। पुलिस ने बताया कि उन्हें इस घटना की जानकारी सुबह के 3 बजे मिली। उन्होंने बताया कि इस गोदाम की पहली मंजिल पर 12 मजदूर सो रहे थे, अचानक ग्राउंड फ्लोर पर आग लग गई और सो रहे लोगों के बाहर निकलने का एकमात्र भूतल का रास्ता बंद हो गया। फिलहाल 11 लोगों के शव बरामद कर लिए गए हैं। पुलिस के अनुसार दुर्घटना में घायल हुए लोगों को अस्पताल पहुंचाया गया है और पुलिस ने बताया कि गोदाम में फाइबर केबलों में आग लग गई थी जिसके कारण घना धुआं फैल गया और गोदाम में उस वक्त खाली शराब की बोतलें, कागज, प्लास्टिक और अन्य केबल भी रखे हुए थे। आइए अब खबरों में रुक कर लेते हैं उत्तराखंड की। और उत्तराखंड में पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड की सत्ता संभाल ली है। बुधवार को उन्होंने देहरादून के परेड ग्राउंड में पद और गोपनीयता की शपथ ली। इसके बाद सीएम धामी ने बताया कि कल यानी 24 मार्च को पहली कैबिनेट की बैठक होगी। आने वाला दशक उत्तराखंड का होगा और हम ऐसा करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हम आज से ही राज्य के विकास के लिए काम करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी, यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ समेत कई नेताओं ने पुष्कर सिंह धामी को शुभकामनाएं दी हैं। पीएम मोदी ने कहा, उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर पुष्कर सिंह धामी को ढेरों बधाई। बीते 5 वर्षों में देवभूमि ने हर क्षेत्र में तेजी से प्रगति की है। मुझे विश्वास है कि आप और आपके सभी मंत्री उसे और गति प्रदान करेंगे, जन आकांक्षाओं के अनुरूप विकास का एक नया प्रतिमान स्थापित करेंगे। डीबी न्यूज में आज के लिए फिलहाल इतना ही। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए डीबी न्यूज।